नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि युवा क्लब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप कार्य करें। सरदार संदीप सिंह हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन की राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं खेल युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्र के युवा जब तक सशक्त होता है तो वह राष्ट्र हमेशा प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजन है कि प्रदेश में युवाओं को स्वावलंबी बनाना चाहिए, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा केंद्र गाँव के युवाओं को सशक्त करने एवं उनके विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को संगठित कर उनके समग्र व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास के लिए विभिन्न विभागों को मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सभी गांवों में युवा क्लबों के संगठनों और उनकी दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा आपसी तालमेल स्थापित कर गाँव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। खेल मंत्री ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र और संगठन फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जिला स्तर पर कई समारोह में युवाओं के लिए मैराथन एवं साइकिलिंग जैसी गतिविधियां करवाई। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यूथ चैनल भी बनाया जाए जिसमें सभी जिले अपने अपने क्षेत्र में की जा रही जागरूकता गतिविधियों से संबंधित वीडियो बना करके अपलोड कर सकें। जो जिला इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्काउट एंड गाइड के कैंप नियमित रूप से लगवाए जाएं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और इसके अलावा युवा क्लबों द्वारा रक्तदान के साथ साथ अंग दान के प्रति भी लोगों को प्रेरित करें और जागरूक करें। राज्य मंत्री ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को बच्चों को ड्रग एडिक्शन से बचाना आवश्यक है। ऐसे में युवा केंद्र के माध्यम से स्कूलों एवं कॉलेजों में सेमिनार आयोजित कर विद्यार्थियों को जागरूक कर सकते हैं और उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।